उदयनिधि स्टालिन का विवादित बयान आता है कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह जो है बीमारी है, उसको जो है जड़ से खत्म करना होगा, और इस बात से मैं जो है मुकरने वाला नहीं हूँ, और इस बात को मैं वापस कभी नहीं लेने वाला। तो सोचो गर्व से वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, ये जो है मलेरिया की तरह अर्थात डेंगू और मलेरिया से उसको तुलना किया जा रहा है। तो एक बीमारी से डेंगू और मलेरिया से कंपेयर किया जा रहा है सनातन धर्म को, और इस बात से वो मुकरने नहीं भाले, ये वो गर्व से कह रहे हैं। तो सोचो ये भारत में ही हो सकता है जहां आप सनातन के जहां जो है मेजोरिटी में जो है सनातनी है, जहां हिंदू जहां है बहुसंख्यक लोग हैं, वहां भी आप सनातन के बारे में ऐसे बोल सकते हैं, वो भी खुलेआम आके मंच पे। और वो कौन है, डीएमके पार्टी के जो अभी राजनेता है, जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जो है बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, एमके स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन। और ये जो है इनका जो है कोई आज से नहीं है, इनका खानदानी बिजनेस की तरह है कि जो सनातन के विरोधी रहे। इनके जो दादा है वो जो है एक मूवी आई थी पराशक्ति, उसको लिखने वाले थे, जो कि द्रविड़ियन पॉलिटिक्स को जो है बढ़ावा देने वाली थी, और इसी कारण से जो है द्रविड़ियन जो है जो पार्टी जो है डीएमके पार्टी, इसके कारण से तो बनी थी आर्यन द्रविड़ियन पॉलिटिक्स को खेलने के लिए, क्योंकि वो जो है तमिलनाडु की जनता को अपने साथ लेके जो है द्रविड़ियन पॉलिटिक्स खेलते हुए जो है उन्हें अलग करते हैं सनातन धर्म से और भारत से। और इसी वोट बैंक के कारण जो है राजनीतिक कारण जो है आज वहाँ जो है हिंदू जो है अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, क्योंकि सनातनियों को जो है अपने धर्म से कोई मतलब भी नहीं होता है, वो तो सेक्युलरवादियों के चक्कर में पड़ के जो है अपने आप को ही जो है उनके यहाँ तो बेच देते हैं एक तरह से। सोचेंगे आप तो एक धान एक एक बोरी चावल के लिए जो है बिकने वाले अब आज के जो लोग हैं वो कहाँ से अब सनातन के महत्व को जानेंगे। और उदयनिधि स्टालिन ने जो ये बात कही है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रकाश राज का आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग हैं जो कि खुले हम सनातन का विरोध करते हैं। तो ये बात नहीं है कि आप सोचेंगे कि कैसे कोई सनातन के बारे में बोल दिया, इस पर तो केस होना चाहिए होना चाहिए, भाई ये बहुत कोई बहुत 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 बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई कम से कम ये लोग आके सामने से बोल तो रहे हैं कि हमारा आप हम आपके सनातन के दुश्मन हैं, हम सनातन को खत्म करना चाहते हैं। खतरा तो असल में उन लोगों से होता है जो आपके अंदर छुपे होते हैं, सनातन का ढोंग करते हैं, सेकुलरवादी जो लोग होते हैं, जैसे कि कांग्रेस के नेता, आपके नेता को आप जान सकते हैं, तो ऐसे लोग जो है खतरनाक होते हैं अधिक जो है इन लोगों से, क्योंकि कम से कम आपको पता तो है कि आपके शत्रु कौन है, आपको खत्म कौन कर सकता है, आपको नुकसान कौन पहुंचा सकता है। असली खतरा तो उन सांपों से होता है जो कि आस्तीन के सांप होते हैं, जो कि छुपे रहते हैं आप ही के झोली में, आप ही का खाना खा के आप ही को डसते हैं। तो चाणक्य ने भी ऐसे लोगों को कहा है कि सांप आपको केवल एक बार काटेगा, लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होगा जो आपके साथ ही रहेगा वो आपको बार बार मार्ग मार्ग पर हर रास्ते पर डसेगा। इसी प्रकार से जो है जो लोग असल में जो सेक्युलर का जो है राजनीति करते हैं, जो सेकुलरवादी बनते हैं, अपने आप को जो है हर धर्म से जोड़ के दिखाते हैं, ऐसे लोगों से हमारे देश को ज़्यादा खतरा है। ये स्टालिन जो बोल के गया है उदयनिधि स्टालिन, इससे कोई ज़्यादा बहुत बड़ा फर्क थोड़ी पड़ने वाला, क्योंकि उसने अपनी मानसिकता को दिखा दिया है, और ये मानसिकता छुपी हुई नहीं थी। सनातन का विरोध करने, सनातन को समाप्त करने की मानसिकता उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी में है। उसके पिताजी जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के एम के स्टालिन, और उनके जो पापा थे, उनके जो पिताजी थे कि वो जो थे करुणानिधि स्टालिन, ये नाम देखो इनका कितना सेक्युलर, कितना हिंदुत्व वाला नाम है, लेकिन अंदर से जो है जहर भरा हुआ है पूरा सनातन के विरोध में। और सनातन को समाप्त करने की बात तो आप छोड़ दीजिए, आप सनातन का एक बाल भी तक नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि आपके बाबा आपके जो है बाप दादा जो थे मुगल थे, आपके जो पुर्तगीज थे, आपके जो दस थे, आपके जो अंग्रेज बाप दादा थे, आपके जो भूरे अंग्रेज काले अंग्रेज छुपे हुए भी थे, उन्होंने भी कुछ उखाड़ नहीं पाया सनातन का, तो आप जो है ऐसे कुछ नहीं कर सकते। तो वही बात है कि इसने जो कहा वो कहा, उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा वो कहा, डीएमके जो कर रही है तमिलनाडु में क्या राजनीति वो अलग बात है, लेकिन असल बात तो ये है कि जो जिसके बारे में वीर सावरकर ने कहा है कि जो मुझे जो है खतरा जो है किसी अंग्रेजों से या किसी मुगल से फिर किसी देशद्रोहियों से नहीं है, मुझे तो खतरा वो उन लोगों से लगता है जो कि सनातन के साथ जुड़े हुए हैं और सनातन को ही समाप्त करने का कार्य कर रहे हैं, अर्थात ये जो पोल खोलने वाले, जो ये जो ढोंग करने वाले, सनातन का ढोंग करने वाले सेकुलरवादी जो नेता है, राजनेता, जो वोट बैंक के लिए अपने आप को कहीं भी बेच देते हैं, ऐसे लोगों से हमारे सनातन धर्म को और भारत को अधिक खतरा है। तो अब समझ में आया कि योगी मोदी क्यों ज़रूरी है, अब समझ में आया कि हमारे जो सो कॉल्ड हमारे जो बाबा होते हैं, हमारे जो पंडित होते हैं, धर्म लीडर्स होते हैं, वो जो है अपने आप को सेकुलर दिखा के यही नुकसान कर रहे हैं। कम से कम भाई देशद्रोही है, वो तो बोल तो रहा है कि कम से कम मैं कांग्रेस के साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ, गर्व से बोल तो रहे हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी बोल दो बीजेपी के अच्छाई में तो आप बीजेपी के दल्ले और मोदी और आरएसएस के जो है दल्ले साबित हो जाते हैं। तो यही बात है कि लोगों को जो है समझ में यही आना चाहिए कि आपको सनातन धर्म को और देश को सबसे पहले रखना होगा। ये राजनीति के वोट बैंक के चक्कर में आप जाएंगे तो सनातन धर्म को जो है क्षति पहुँचेगी, और सनातन धर्म और देश जो है
पीछे चला जाएगा। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट्स करके जरूर बताएगा। क्या आपने भी वो भाषण तो वक्तव्य सुना था और आप किसके सपोर्ट में रहते हैं कमेंट्स करके जरूर बताएगा। क्योंकि अपना पक्ष निर्धारित अवश्य कीजिए कि आपको किसको वोट देना है, आप किसके साथ हैं। क्योंकि अगर आप सेकुलर बन के रहेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, न घर के रहेंगे न घाट करेंगे धोबी के कुत्ते की तरह। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट्स करके जरूर बताएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।